आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं प्रवीण शर्मा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जीएसटी के अंदर। लगभग 10 साल हो गए पूरे इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग दे चुके। तो आज हमने शर्मा जी को बुलाया है अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ जी, 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन में लेकर इनवॉइसिंग को लेकर B2C के केस को लेकर QR कोड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है हमारे दर्शकों में। तो शर्मा जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि जो 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड को लेकर लोग बाग डरे हुए हैं, ये आखिर है क्या? क्योंकि GSTR 1 में तो पहले भी HSN कोड जाया करते थे, हालांकि GSTR 9 में नहीं जाते थे, ऑप्शनल था, लेकिन GSTR 1 में तो मैंडेटरी था ही 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। तो 1 अप्रैल से जो ये HSN कोड मैंडेटरी है, इसे लेकर इतना हवा क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सा बताइए। थैंक यू हमारे व्यूवर्स का, और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा श्री कपिल जैन जी का, जिन्होंने आज हमारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया। और जो कपिल जी इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, इतने सब्सक्रिप्शन फॉर्म में पेन ड्राइव और आपकी जो मैगजीन्स हैं, मैं तो बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इतनी नॉलेज शेयरिंग आप देते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ साथ कारवां को आगे बढ़ाते हुए चलें। जी जी। आपका जो पहला सवाल है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, HSN कोड का बहुत इस मार्केट में बहुत ही हवा चल रहा है कि ये क्या अब नई चीज आ गई, क्योंकि ये पहले भी ये थी। अब GSTR 1 में पहले टेबल नंबर 12 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी भी थी, बट कहीं ना कहीं सरकार ने 2-3 सालों के लिए एक रियायत दे दी थी। GSTR 9 में भी ऑप्शनल बता दिया था कि HSN कोड डालना जरूरी नहीं है, बट समहाउ डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को पिछले 3 सालों में ये पता लगा कि कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन चल रही है और हमें ट्रैकिंग सिस्टम करना जरूरी है। इसलिए HSN कोड की हमें मैचिंग करनी है, हमें पता लगना चाहिए कि कौन से मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके का काम करते हैं और HSN कोड में क्या डीलिंग करते हैं। सिमिलरली उसी बेसिस पे कोर एक्टिविटी का एक नया टैब सामने आया था हमारे कुछ दिन पहले कि हमको बताना था कि मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरर हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, सो समहाउ डिपार्टमेंट इज नाउ कंसिडरिंग अपॉन द मैचिंग ऑफ योर ट्रांजेक्शंस, सो HSN कोड इज नाउ मैंडेटरी। नोटिफिकेशन है सर, नोटिफिकेशन है 78/2020, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ा गया है कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर और 5 करोड़ से अबव वाले टर्नओवर, तो 2 कैटेगरी हमारे सामने हैं। जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर, दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कपिल जी, आप जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, जैसे कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी उसके अंदर कवर है, टैक्सेबल सप्लाई भी कवर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 का भी टर्नओवर हो गई, वही आपके एग्रीगेट टर्नओवर है जो हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ तक है, तो आपका 4-डिजिट HSN कोड आपको देना जरूरी है अपने टैक्स इनवॉइसेस में और साथ के साथ GSTR 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक क्लाइंट है जी, जिसकी टर्नओवर 5 लाख रुपए है साल की, शर्मा जी 5 लाख रुपए साल की है, उसे पता ही नहीं है HSN कोड क्या होता है क्या नहीं होता, तो क्या अब उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा इनवॉइस पे? बिल्कुल, इट्स मैंडेटरी फ्रॉम ₹1 टर्नओवर अप टू 5 करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हमने ठेका ले रखा है, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं हम ठेका ले लेते हैं पूरे साल का, तुम्हारी अकाउंटिंग करेंगे, जीएसटी रिटर्न्स करेंगी, लेकिन हमें उनका ना तो SSC कोड पता होता ना हमें उसका HSN कोड पता होता जी। तो अब तो हर किसी का HSN कोड हमारे लिए मैंडेटरी होगा, बहुत मैंडेटरी, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि GSTR 1 में मैंडेटरी था 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, 1.5 करोड़ से कम वालों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन देना होता था, लेकिन 90% लोगों ने उसे करा ही नहीं, बिल्कुल वो कहते थे रिटर्न सबमिट हो गई, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हमने अब उसे इनवॉइसेस पर नहीं डाला HSN कोड को या सर्विस अकाउंटिंग कोड को, तो क्या हमारा वो इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा? बिल्कुल, 78/2020 भी यही कहता है, HSN कोड मैंडेटरी है आपको देना, और अगर नन कंप्लायंस हुआ इसका, तो एज पर सेक्शन 125 देयर इज अ जनरल पेनल्टी ऑफ 25,000 और 25,000, मतलब कि सेक्शन 125 में पेनल्टी भी लग सकती है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारा टैक्स इनवॉइस का रूल है, रूल 46, बिल्कुल, तो रूल 46 ये कहता है कि भाई आपको ये पर्टिकुलर्स देने, और अगर आप एक वैलिड इनवॉइस बनाना चाहते हो, अगर मैंने उस पे HSN नहीं दिया, तो इट मींस वो मेरा इनवैलिड इनवॉइस हो जाएगा, इनवैलिड इनवॉइस, और अगर वो इनवैलिड इनवॉइस हो जाएगा, तो क्या पता सामने वाले को ITC भी ना मिले, ITC भी ना मिले, और हो सकता है अगर मेरा वो इनवैलिड इनवॉइस हो जाए, तो सेक्शन 125 की जो आप बात कर रहे हो पेनल्टी की,
क्या साथ के साथ सेक्शन 122 की भी पेनल्टी लग सकती है? मे बी द पॉसिबिलिटी सिनेरियो इज दिस, ये भी हो सकता है। डिपार्टमेंट इज आल्सो कंसीडरिंग बोथ दिस अमाउंट ऑफ द पेनल्टीज। तो आप सब लोग ये ध्यान रखेंगे, जितने भी आपके क्लाइंट हैं, आप पहले वर्किंग कर लो कि भाई तुम्हारी सर्विस क्या है, तुम्हारे गुड्स क्या है, और उनके HSN कोड को CBIC की साइट से ढूंढ कर रख लो, जिससे कि 1 अप्रैल से जब आप इनवॉइस बनाओ तो उस पर ये सारी चीजें आप मेंशन कर दो, जिससे आपके सामने वाले रिसिपिएंट को कोई दिक्कत ना हो और आपको कोई पेनल्टी ना लगे। अच्छा सर, एक ये और आ रहा है B2C को लेकर, मैं इनवॉइसिंग की बात नहीं कर रहा, B2C को लेकर एक QR कोड का है कंसेप्ट हमारा, कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है, एक उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। बिल्कुल हाँ, पीछे ये 1 दिसंबर से ये लागू होना था कि जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने B2C के इनवॉइसेस के ऊपर डायनामिक QR कोड देना जरूरी था, तभी वो इनवॉइस वैलिड होना था। बट समहाउ कि कोविड की वजह से पीछे एक नोटिफिकेशन आई 89/2020 जो ये कहती थी कि ठीक है, हमने अब क्या किया है कि 31 मार्च तक अगर आप डायनामिक QR कोड नहीं देते तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2021, एक और नई चीज हमारे सामने आई है कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने B2C इनवॉइसेस के ऊपर डायनामिक QR कोड देना जरूरी। और इसका ई इनवॉइसिंग से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक, इसका HSN कोड वाले से कोई लिंक नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इनके टर्नओवर 500 करोड़ वाला है, वो अलग कंसेप्ट है। बिल्कुल, और ई इनवॉइसिंग तो सब लोगों को पता ही है कि 50 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी, B2B के केसेस में, B2C में नहीं होगी। उस पर हमने वीडियो भी बना दी है और हमने जो हमारा मार्च का एडिशन है उसमें FAQs भी दिए। अच्छा शर्मा जी, एक आपसे रिक्वेस्ट और है, हमारी जो मंथली मैगजीन आती है तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप ना हमें एक आर्टिकल लिख कर दो अप्रैल एडिशन के लिए ना, चाहे आप B2C QR कोड पे दो, चाहे HSN कोड पर दो। आप सब लोग चाहते हैं प्रवीण शर्मा जी से एक आर्टिकल लिखवाना, तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में हमारे को मेंशन करना कि हाँ जी शर्मा जी से एक आर्टिकल आप अप्रैल के एडिशन में लिख जरूर, दो। जरूर मैं शेयर करूंगा HSN कोड से रिलेटेड कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए कितने HSN कोड, 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए कितने HSN कोड, और ये भी बताना चाहूंगा कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है वहां हर एक इनवॉइसेस के ऊपर 6 डिजिट का HSN कोड देना जरूरी है। तो आप सब लोग भी अगर कोई आर्टिकल देना चाहते हैं हमारी मैगजीन में, तो आप अपने आर्टिकल हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। जो भी हमें आर्टिकल अच्छा लगेगा, आपके नाम के साथ, आपकी फोटो के साथ, आपकी ईमेल आईडी के साथ प्रिंट करेंगे, जिससे कि आप सब लोगों को, आपको पता लग जाएगी आपकी ये मैगजीन हमारी नहीं है, आपका ये यूट्यूब चैनल है, आपका हमें प्यार मिलता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सारे स्पीकर से कि वो आए और कुछ और बातें बताए इनवॉइसिंग को लेकर, B2C QR कोड लेकर, HSN कोड को लेकर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, जिससे हम प्रवीण शर्मा जी को दोबारा बुला ले अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे HSN कोड को लेकर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका कि सर आपने अपना कीमती समय निकाला और इस प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।